तो अभी हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ लेंस के बारे में. सो लेट सी पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, ये वर्ड पावर का मतलब क्या होगा. अब देखो पावर ऑफ लेंस, तो लेंस का मेन काम क्या होता है पहले हम लोग वो देखते हैं, फिर उसके पावर के बारे में बात करेंगे. लेंस का काम होता है टू बेंड द लाइट, राइट, रिफ्रैक्शन करना. अब मुझे बताइए रिफ्रैक्शन दो तरीके से हो सकता है. अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस ले लू, है ना, कॉन्वेक्स लेंस ले लू, तो बेंडिंग कन्वर्जिंग टाइप में होगा, मतलब वो लाइट आके कन्वर्ज होगी. अगर मैं कॉनकेव मिरर ले लूं, ओके, कॉनकेव लेंस ले लूं, तो उसका काम क्या होगा कि वो लाइट को डाइवर्ज कर दें. तो कॉनवेक्स में कन्वर्जिंग कितना हो रहा है उसका डिग्री, और कॉनकेव लेंस में कितना डाइवर्जिंग हो रहा है उसका डिग्री, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो मैं बोल सकता हूं कि तब जाके हमें मिलेगा उस लेंस का पावर, वो कितना ज्यादा बेंडिंग कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट से मेरे पास ये एक लेंस है, ओके. अब लॉजिकली सोचना है आप सबको कि अगर ये रे ऑफ लाइट मैं यहां से ले आऊं, कुछ रेज ऑफ लाइट को यहां से ले आता हूं मैं, लेट से कुछ ऐसे हैं, जस्ट टेक सम एग्जांपल्स, और ये सब के सब कुछ ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे कहीं पे मिल रहे हैं. अभी प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, ओके. यहां पर देखो, और एक अगर मैं डायग्राम बना दूं सिमिलर वे में, अगर मैं एक और डायग्राम बना दूं यहां पर, ओके, और इसमें मैं क्या कर दूं कि इसमें फिर से रेज ऑफ लाइट ले लूं बहुत सारे, तो ये रहा मेरा रे ऑफ लाइट, ओके, एंड फिर से कन्वर्जिंग करवा दूं, तो अगर आप ए और बी पार्ट को देखो, आप सिर्फ ए और बी पार्ट को भी अगर समझते हो, तो आपको दिखता होगा कि कोई ना जल्दी से कन्वर्ज कर दे रहा है और कोई लेट कन्वर्ज कर रहा है. तो जो ज्यादा जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा है, दैट मीन्स उसका पावर ऑफ कन्वर्जिंग, मतलब डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा है, इसका डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस कम है. ये हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं. सिमिलरली डाइवर्जेंस के लिए भी हो, कितना ज्यादा फैला सकता है, ओके. सो चलो स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन के साथ. तो पहला डेफिनेशन क्या है इसका, कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ये एक्चुअली मेजर करता है. क्या करता है ये मेजर करता है द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस. बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लिखी गई है. क्या लिखी है यहां पे लिखी गई है बच्चों, क्या, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस. ये वर्ड को प्लीज नोट करो, क्या लिखा है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस. इसका मतलब क्या है कि वो कितना ज्यादा कन्वर्ज कर पा रहा है, या फिर कितना ज्यादा बेंडिंग कर रहा है, या फिर डाइवर्ज कर रहा है ऑफ लाइट, इज द पावर ऑफ द लेंस. किसी लेंस का पावर कम होगा, डेट मीन्स वो कम कन्वर्ज कर रहा है. किसी लेंस का पावर ज्यादा होगा, डेट मीन्स वो ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है. एंड डेट इज टोटली रिलेटेबल बच्चों, डेट इज टोटली रिलेटेबल. तो एक चीज याद रख लेना, ये क्या बताता है आपको, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ठीक है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कौन बताता है, पावर बताता है, ठीक है. अच्छा, अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो फैक्टर है कि कितना ज्यादा डिग्री है उसका कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का, ये उसके फोकल लेंथ पे डिटरमाइन होता है, कि उस लेंस का फोकल लेंथ कितना है, क्या उसका फोकल लेंथ कम है या फिर उसका फोकल लेंथ ज्यादा है, ये टोटली डिपेंड करता है फोकल लेंथ के ऊपर. दैट मीन्स क्या मैं ऐसा कह भी सकता हूं कि वो कितना पतला या मोटा है लेंस उस पर होगा. अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है, हम लोग डायग्राम बना के समझने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा. चलिए विल स्टार्ट विद दिस. तो हम लोग क्या करते हैं, एक मेरे पास पेज है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे ना दो सर्कल्स बनाते हैं हमेशा की तरह. हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. याद होगा अगर आप लोगों को, मैंने आपको लेंस बनाना सिखाया था फर्स्ट लेक्चर में. ये कौन सा है भाई, ये नहीं आएगा, पेन से करेंगे ना, ओके. सो विल जस्ट ड्रॉ टू सर्कल्स, दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग. लेट से एक ये सर्कल है, ओके. अब देखवाओगे यहाँ पे इसका सेंटर होगा शायद, और एक ये सर्कल है फॉर एग्जाम्पल. दो सर्कल्स ले लिया हम लोगों ने. अब देखो लॉजिकली सोचते हैं, ठीक है, इस दोनों को सर्कल को अगर मैं देखूं तो क्या इनका कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जो सेंटर होगा. लेट्स से यहां पे उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओके. इसे मैं बोलता हूं 2F1, अगर आपको याद होगा मैंने यहां पे 2F1 और इसे 2F2 कहूंगा मैं. और सिमिलरली अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन यहां से बनाने की कोशिश करूं, ओके, इफ आई ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ओके, वो स्ट्रेट लाइन मुझे क्या शो कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस. अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसे चले जाएंगे, ठीक है. और ये जो पार्ट होगा आपका, ये बीच वाला पार्ट, उसे हम कहते हैं ऑप्टिक सेंटर. अब ऐसा लग रहा है ना, पहले वाले लेक्चर को हम लोग रिपीट कर रहे हैं और हम लोग को समझने की कोशिश कर रहे हैं. अगर ये चीज याद है आप सबको, तो हम लोग इसे लेके आगे बढ़ सकते हैं. मैं इससे क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि
यहां पे शायद से बीच में कहीं पे फोकस वन होगा और इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में कहीं पे फोकस टू होगा। अब देखो सर्कल कितना बड़ा है उसके ऊपर टोटली डिपेंड कर रहा है आपका डायग्राम। अगर मैं इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर लूं ऊपर की तरफ, लेट्स जस्ट मूव इट अ लिटिल बिट, थोड़ा सा इसे मूव कर लेते हैं और इसके कंपैरिजन में छोटा सा भी मिरर बना लेते हैं, ओके सॉरी लेंस बना लेते हैं, एक छोटा सा लेंस बना लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्कल। एक ये सर्कल है, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, ठीक है। अब लॉजिकली देखो ये सर्कल्स छोटे छोटे हैं, इसके वजह से क्या मैं बोल सकता हूँ, इनके सेंटर्स भी नजदीक होंगे और इनका जो 2F1 होगा, इनका जो 2F1 होगा वो कितना होगा, यहाँ पे होगा कुछ, इसका जो 2F2 होगा वो यहाँ पे होगा कुछ। अगर मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाने की कोशिश करूं यहां से तो कुछ ऐसा बनेगा। अगेन बच्चों अगर यहां पे आप ध्यान से देखो प्रिंसिपल एक्सिस भी बन गया है, एक्स्ट्रा चीजों को मैं रब कर देता हूं, ये ऑप्टिक सेंटर है, ये F1 है, ये F1 है, ये F2 है, टू टाइम्स ऑफ F1 है और ये F2 है, ठीक है। तो F1 F2 भी हो गया है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम लोग रब आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसे मैंने रब कर दिया। अब सर ये चीजें तो आपने पहले सिखाई तो क्यों डायग्राम बना के सिखा रहा हूँ। अच्छा देखो इसके पीछे ना साइंस है, आपको समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो मैं इसके एक्स्ट्रा पार्ट को रब कर लेता हूँ। अब देखो लेंस का जो साइज है या फिर उसका फोकल लेंथ, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पूरा डिपेंड करता है कि किस कैसे टाइप के सर्कल से बना है। अब ये दो डायग्राम्स मेरे साथ में है कंपेयर करने के लिए। अब देखो किसका फोकल लेंथ ज्यादा है, जो बड़े सर्कल से बना हुआ है उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, लॉजिकली सोचो। जो छोटे सर्कल से बना है उसका फोकल लेंथ नॉर्मली कम होगा। अब इसका फोकल लेंथ देखो, इसका फोकल लेंथ इज ग्रेटर देन दिस वन। अगर मैं कंपेयर करूं दोनों को तो इससे बड़ा इसका फोकल लेंथ है, मतलब जो जितने बड़े वर्ड पे सर्कल से बना हुआ है उसका फोकल लेंथ उतना ही ज्यादा बड़ा होगा, जो छोटे सर्कल से बना हुआ है उसका फोकल लेंथ उतना ही कम होगा। अगर मैं दोनों के सर्कल्स को सेम रखने की कोशिश करता और फोकल लेंथ को चेंज करता तो उसमें थिकनेस में चेंजेस आता, राइट। कितना ज्यादा मिक्स्ड है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, साइड में का कॉन्सेप्ट समझो बच्चों। एक ये डायग्राम है, एक ऐसा रख सकता हूं मैं, या फिर इसी केस में मैं क्या कर सकता हूँ, इसे ज्यादा सबमर्ज कर सकता। तो यहाँ पे देखो थिकनेस में भी चेंजेस आ रहा है, अगर मैं सर्कल का साइज सेम रखूं तो भी थिकनेस में चेंजेस आ रहा है ना। तो फोकल लेंथ अगर आपको बदलना है तो आप क्या कर सकते हो, इधर आप सर्कल का जो व्हाट वी से रेडियस है उसे चेंज कर दो, और एल्स आप क्या कर सकते हो कि वो जो आपका सर्कल है उसको बहुत ज्यादा अंदर तक बना दो, मतलब थिकनेस चेंज कर दो। तो लेंसेस का हम लोग थिकनेस चेंज करके भी, ओके थिकनेस चेंज करके भी फोकल लेंथ बदल सकते हैं। तो एक चीज याद रख लेना, जब भी आप लोग थिकनेस बदलते हो, ओके जब भी आप लोग थिकनेस बदलने की कोशिश करोगे तो क्या होगा वहां पे, उस केस में आपका फोकल लेंथ बड़ा या छोटा होगा। सर कैसे वेरी करेगा, चलो देखो यहाँ पे। सो विल जस्ट ड्रॉ अ डायग्राम, हम लोग एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ लेंस। एक ये लेंस है और एक ये लेंस है, थोड़ा सा यहाँ से लेता हूँ, ओके एक ये लेंस है तो एक थिक है एक थिन है, ठीक है। अब जो थिन होगा, ओके क्या मैं बोल सकता हूँ कि उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, थोड़ा सोचो सर क्यों होगा, रीजन ये तो क्वेश्चन में हमेशा होगा ना बच्चों कि क्यों होगा। अभी मैंने बताया सर्कल साइज चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो उस हिसाब से इसका जो फोकल लेंथ होगा, मे भी समझो यहाँ पे आ रहा है, इसका जो फोकल लेंथ है वो मे भी यहाँ पे कहीं पे होगा, है ना। मैंने अभी आपको बताया था कि जो अगर थिकनेस चेंज करोगे तो फोकल लेंथ वेरी करेगा, तो यहाँ पे समझो इसका फोकल लेंथ यहाँ पे या फिर फोकस यहाँ पे आ रहा है, तो बेसिकली इसका फोकल लेंथ जो आएगा टोटल वो यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक। मैं इसे ना F1 कहता हूँ, स्मॉल F1, और इसका ऑप्टिक सेंटर से यहां से मैं ले लूं तो ये मेरा F2 मिल जाएगा, ओके इसका मेरा F2 मिल जाएगा, ये इसका फोकस है। अच्छा ये A है, ये B है। अच्छा प्लीज इसको समझना बच्चों, रट्टा मार लेना, फॉर्मूला बहुत इजी होता है बट कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा। अब देखो मैं ना रेज ऑफ लाइट ले आता हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप लोग सोचो, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है उसका कन्वर्जेंस ज्यादा होगा या फिर जिसका फोकल लेंथ कम है उसका कन्वर्जेंस ज्यादा होगा, देख के आपको समझेगा। बस हमें पता है कि रेज ऑफ लाइट अगर हम लोग पैरेलल ले आते कहीं से, ओके इफ यू टेक रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर, लेट्स टेक दिस वन एंड दिस वन, सिमिलरली यहां पे भी मैं रेज ऑफ लाइट ले लेता हूं पैरेलल टू ईच अदर, ओके एंड ओके। सो मैंने रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर ले लिया है,
और इसके डायग्राम्स में, रे डायग्राम से हमेशा रेज बनाना जरूरी है, ठीक है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है रेज ऑफ लाइट का। तो ये रे ऑफ लाइट मेरा कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, लेट्स से ऐसे, ओके। सो ये चीज हमारा डन है, हमें दिख रहा है कि ये रेज ऑफ लाइट जा रहे हैं। अब रूल वन के हिसाब से हमें पता है, इफ द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस, वन पासेस थ्रू द फोकस, टू पासेस थ्रू द फोकस एंड पासेस थ्रू द फोकस। अब देखो सबके सब फोकस से पास हो रहे हैं, सिमिलरली यहां पे भी पासेस थ्रू द फोकस, पासेस थ्रू द फोकस, पासेस थ्रू द फोकस एंड यहां पे भी पासेस थ्रू द फोकस अगेन। अब देखो बच्चों, आप देख पा रहे हो कि इसका फोकल लेंथ ज्यादा है, इसका एफ इज ग्रेटर, राइट, इसका एफ इज ग्रेटर, फोकल लेंथ ज्यादा है, फोकल लेंथ लेंथ ज्यादा है, लेकिन इसका पावर कम है, इसका पावर कम है, यस और नो, ये कम डिग्री से बेंड कर पा रहा है, राइट, देखो बहुत लेट कर रहा है। इसके कंपैरिजन अगर देखो तो ये पहले कन्वर्जेंस इसमें हो रहा है, उसके बाद इसमें हो रहा है, एक पॉइंट की बात, मतलब ये थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा है और ये जल्दी से कन्वर्ज कर दे रहा है। सिमिलरली यहां पर फोकल लेंथ कम है आपका, फोकल लेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर फोकल लेंथ कम है बट इसका पावर ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा है। अच्छा, सेम आप अप्लाई कर सकते हो डाइवर्जेंस के लिए भी, नो इश्यू, ठीक है, मैं कन्वर्जेंस से कर रहा हूं, आप डाइवर्जेंस में देख लेना, पावर ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये पावर और जो फोकल लेंथ का रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर आप ऐसा लिख दो, या फिर पी इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ लिख दो, वाइस वर्स आप लिख सकते हो। तो इनका जो रिलेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन नेचर, क्या यही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। Thus, we can define the power of the lens as the reciprocal of focal length, right? And उसे given कैसे देते हैं हम लोग, power is equals to one upon focal length. ये चीज बहुत important है। इसका unit जो है डायप्टर्स में होगा, आप लोग वो भी लिख सकते हो, okay? तो ये चीज एक चीज important है, please इस diagram को कहीं पे note कर लेना, so that आपको समझे भी ना ही आप रटो उस चीज को कि focal length क्यों inversely proportional होता है आपके power के साथ। अब इस फॉर्मूले में याद रखना आपको कि ये जो P है दैट इज योर पावर, आपका जो P है, ये जो P की वैल्यू है दैट इज योर पावर, राइट, और जो F है वो फोकल लेंथ है। ये चीज आपको नोट करनी है बस, क्या कि सर ये जो P का वैल्यू है ये क्या है, दिस इज योर पावर, ओके, एंड इसका यूनिट होगा डायप्टर्स, और जो फोकल लेंथ है वो एफ है, फोकल लेंथ। याद रखना है फोकल लेंथ हमेशा मीटर्स में लेना आपको, ओके, फोकल लेंथ हमेशा आपको मीटर्स में लेना है और इसका जो है ये डायप्टर्स में लेना है, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अब ये चीज डन है, अब याद रख लेना कि आपको पावर ऑफ लेंस तो पता चल गया कि हाँ चलो सर एक लेंस का पावर कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर आपके पास मोर देन वन सेल है तो वन लेंस है तो क्या करोगे, एक एक लेंस से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, उस केस में क्या होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एक लेंस है समझो विथ फोकल लेंथ एफ वन, ओके, और इसको आपने स्टैक किया है एक और फोकल लेंथ के साथ या फिर एक और लेंस के साथ विद सम अदर फोकल लेंथ, लेट्स से एफ टू, इसको एक और फोकल लेंथ के साथ आपने स्टैक कर दिया है दैट इज योर एफ थ्री। तो तीन डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ को आपने एक लाइन में लगाया, मतलब या फिर लेंस को एक साथ में लगाया आपने, और आप चाह रहे हो कि इनका एक डायग्राम बने, आप चाह रहे हो कि इनका एक ओवरऑल वैल्यू पता चले। अब देखो तीनों कॉम्बिनेशन में है, अगर आप अच्छे से देखो तीनों कन्वर्जिंग है। अच्छा, आप डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग को भी ले सकते हो, ठीक है, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग को भी ले सकते हो, फोकल लेंथ नेगेटिव पॉजिटिव लेना, बस उतना याद रख लेना, ओके, ये भी ले सकते हो आप लोग। अब यहाँ पे देखो तीनों का जो पॉजिटिव फोकल लेंथ है, तो इसका जो मुझे ओवरऑल फोकल लेंथ निकालना है इस कॉम्बिनेशन का, ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बनेगा, एक्चुअली ये पूरे टाइप का कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, राइट, एक टाइप का एक सिंगल कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, इसका फोकल लेंथ कितना होगा, इसका फोकल लेंथ कितना होगा, ये क्वेश्चन होगा। तो इसको बोलते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो ओवरऑल फोकल लेंथ इन तीनों का जो होगा, ओके, रिजल्टेंट फोकल लेंथ जो आएगा वो क्या आएगा, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री। दैट मीन्स मुझे जो ओवरऑल फोकल लेंथ निकालना है मैं एडिशन कर दूंगा उस सबका। सर इसमें कॉनकेव होता तो अब नेगेटिव यूज करते हैं, इन सबका पॉजिटिव, एक नेगेटिव होता कोई वैल्यू, राइट, ओवरऑल क्या वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है अगर वैल्यू ओवरऑल, अगर आपका फोकल लेंथ ओवरऑल कॉम्बिनेशन का पॉजिटिव आ रहा है तो कैसे बिहेव करेगा, वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। अगर ओवरऑल जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आ रहा है, माइनस आ रहा है, दैट मींस उसमें जो नेगेटिव वाला वैल्यू वो ज्यादा ग्रेटर है, तो उसमें डाइवर्जेंस की तरह शो करेगा वो, ये चीज याद रख लेना।
तो ओवरऑल एफ का वैल्यू क्या आ रहा है और कौन से साइन से आ रहा है वो बताएगा आपको, कॉम्बिनेशन लेंस से डाइवर्जेंस दिखने वाला है या फिर कन्वर्जेंस दिखने वाला है। यही चीज के इसी के बेस पे आपके ह्यूमन आई का जो है स्टडी किया जाता है और आपको स्पेक्टिकल्स दिए जाते हैं, याद रख लेना फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन के हिसाब से। ओके कि फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन बता दो, दैट इज कॉल्ड एज ओके कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ये चीज नोट कर लो कहीं पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा कोई अगर आपको दे दिया कि आपके पास तीन डिफरेंट फोकल लेंस है, ओके लेट्स से तीन कॉन्वेक्स लेंस है विथ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, समझो एक का फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, एक का 10 सेंटीमीटर है, एक का 15 सेंटीमीटर है और लेट्स से एक का 5 सेंटीमीटर है। तो तीनों का अगर जो फोकल लेंथ है मुझे बताना है कि ओवरऑल फोकल लेंथ कितना मिलेगा। तो इस फॉर्मूले से मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि एफ इज इक्वल्स टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री, दैट मीन्स 10 प्लस 15 प्लस 5। तो अब ये क्या करने का, इसको ऐड कर देना बस, एफ इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर है ना, ऐड कर दोगे और इसका वैल्यू आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अभी 30 सेंटीमीटर मुझे क्या बोल रहा है कि या फिर मैं तीन लेंस यूज करूँ डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ का, और एल्स मैं एक लेंस यूज करूँ 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, दोनों का काम सेम होगा कन्वर्जेंस दिखाना। जैसा अगर आपको याद होगा रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल में भी हम लोग ने किया है इलेक्ट्रिसिटी में, तो वैसे ही यहाँ पे भी लगाना है सेम, वो सीरीज वाला रेजिस्टेंस में आप लोग एडिशन कर देते और एक ओवरऑल एक रेजिस्टेंस लगा देते, सिमिलरली एक टाइप का रिजल्टेंट फोकल लेंथ बन जाता है और इसके हिसाब से इसका रिजल्टेंट पावर भी आप निकाल सकते हो। इसके हिसाब से आप पावर भी, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पहले, ओके मीटर्स में कन्वर्ट करके फिर उसको पावर निकाल देना उसका, दैट्स इट। याद रखना पावर कभी भी निकाल रहे हो आप लोग तो फोकल लेंथ मीटर्स में ही लेना है, ओके सो दैट यूनिट डायोप्टर्स में है। तो आई होप ये चीजें जो मैंने समझाई है इस लेक्चर में, ओके दैट इज पावर ऑफ लेंस आपको समझा होगा बच्चों। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड से शेयर करो। बाय, टेक केयर।